हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। आज हम बात करेंगे मेमोरी माप से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चंस की, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे CCC हो गया, बैंक हो गया, SSC हो गया, NTPC हो गया और UP SSC के हो गए और अदर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है, कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो किस में मापी जाती है, तो वो किस में मापी जाती है, वो आपकी गीगाबाइट में मापी जाती है। वो किस में मापी जाती है, गीगाबाइट में। आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, स्मृति होती है, वो किस में मापी जाती है, गीगाबाइट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर टू है, तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है कि मेमोरी क्षमता से जो माप होता है, कंप्यूटर की मेमोरी की माप होती है, उसे संबंधित नहीं है। तो जो GB होता है उसका मतलब होता है गीगाबाइट, TB का मतलब क्या होता है, टेराबाइट होता है, और ZB का क्या मतलब होता है, जेटाबाइट होता है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो मेमोरी का मात्रक यानी कि मापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है। तो कौन सा जो है कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है, तो मीटर भी नहीं है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज़ भी नहीं है, ऑप्शन सी है किलोमीटर भी नहीं है, यानी कि केमी भी नहीं है, केमी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरा बाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं, TB से हम क्या बोलते हैं, टेरा बाइट। और इस कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ये उसका मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो जो कंप्यूटर में डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, वो तो किस में स्टोर करते हैं, वो हम क्या किस में करते हैं, बाइट में डाटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, 1 KB किसके बराबर होता है, तो 1 KB किसके बराबर होता है, तो 1024 bytes के बराबर होता है। तो 1 KB किसके बराबर होता है, तो 1 KB बराबर होता है 1024 bytes के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, तो 8 बिटों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तो 8 बिटों के जो समूह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 1 byte बोलते हैं। जब 8 bit आपके जो होते हैं, 8 bit जब आपके जुड़ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, 1 byte बना देते हैं। और जब 4 bit जुड़ते हैं, जब क्या है 4 bits जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, 1 nibble बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 1 nibble बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 8 bits के ग्रुप, 8 bits के जो है ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। जो बिट्स के 8 bits के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा जो यूनिट है वो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे TB हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। और यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे KB हो जाएगा, KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, और इसका क्या होता है, मेगाबाइट, और इसका क्या होता है, गीगाबाइट होता है, इसको हम GB बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कितने किलोबाइट से 1 MB बनता है, तो कितने केबी से 1 MB बनता है, तो 1024 जो आपके क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं, यानी कि 1024 KB बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे 1 MB होता है, 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 4 bit कितने निबल के बराबर होता है। तो इसके पहले हमने बताया है कि 4 bit से क्या बनता है, 1 nibble बनता है, 4 bit से क्या बनता है, 1 nibble बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने मेगाबाइट से 1 GB बनता है, कितने मेगाबाइट से, यानी कि कितने एमबी से 1 GB बनता है, यानी कि GB बनता है, तो 1024 आपके क्या बनते हैं, MB जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, 1
जीबी बनता है, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर है 11, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, 12 में क्या है, लगभग 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, तो लगभग 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, तो आपका 1 गीगाबाइट होता है, क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। और बिलियन का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 अरब बाइट बराबर, यदि क्वेश्चन पूछा जाए 1 अरब बाइट बराबर क्या होता है, तभी पर आपको 1 GB बताना है, 1 गीगाबाइट बताना है, और क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, तभी पर आपको आंसर क्या बताना है, 1 गीगाबाइट ही बताना है। क्वेश्चन नंबर है 13 है, लगभग 1 मिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, लगभग 1 मिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, तो वहाँ पे मिलियंस बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। यहाँ पे मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, मिलियन का मतलब आपको पता ही होगा कि मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, तो 10 लाख बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 लाख बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 MB, MB से क्या होगा, M से MB और M से मिलियन और M से MB, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 14 है, सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है, तो यानी कि सबसे छोटा स्टोरेज कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका KB हो जाएगा, किलोबाइट क्या होता है, छोटा है यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर है 15 है, कंप्यूटर भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 1 MB में, KB नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, बाइट पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 1 MB यानी कि 1 MB में डायरेक्ट आपको उससे पूछ लिया गया है कि एक MB में कितने बाइट होंगे, तो यहाँ पे अगर KB पूछता तो आपको आंसर बताना था 1024, लेकिन यहाँ पे पूछा बाइट, तो 1024 बाइट जब MB से आपको किस में पूछा जाए, KB में उसमें पूछा जाए, बाइट में पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, 1024 यानी कि KB, और KB के बाद क्या आता है, बाइट आता है, 1024 से हम 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1048576 यानी कि 1048576 क्या हो जाएगा बाइट, यानी कि 1 MB बराबर कितने बाइट की होगा, तो 1048576 बाइट के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 16 में क्या है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बहुत ही आसान है, सबसे बड़ा क्या है होता है, टीबी होता है, टीबी के बाद क्या होता है, जीबी, अब यहाँ पे एमबी दे दिया इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया आपका, ऑप्शन बी है, यहाँ पे जीबी है, पहला होता है क्या, टीबी बड़ा होता है, यहाँ पे टीबी है, जीबी है, सही है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, दे दिया गया है, केबी दे दिया गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एमबी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टीबी दिया गया है और GB दिया गया है, MB दिया गया है, KB दिया गया है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, तो आपको ये भी याद हो जाएगा, सबसे बड़ा TB होता है, फिर GB होता है, फिर MB होता है, और फिर KB होता है। क्वेश्चन नंबर है 17 है, तो 17 क्वेश्चन क्या है कि 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, तो 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB की होता है, किसके होता है, 1 KB। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे TB हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB। अब आप लोग कहेंगे कि इसके पहले आप बता रहे थे कि सबसे बड़ी TB है, लेकिन सबसे बड़ी जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा वहाँ पे TB, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटी आपकी KB के बाद क्या आता है, MB आता है, यहाँ पे देख लीजिए MB, MB के बाद क्या आएगा, GB, GB के बाद क्या आएगा, TB, TB के बाद क्या आएगा, PB आएगा, और PB के बाद क्या आएगा आपका, EB आएगा, EB के बाद क्या आएगा आपका, ZB आएगा, और ZB के बाद YB आएगा, ठीक, तो ये आपके क्या हैं, मेमोरी यूनिट हैं, तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा हो जाएगा वो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 13 बाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है,
19 है। तो 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा जो है साइज कौन सा है। तो सबसे बड़ा साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा आपका TB हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। तो एक जीबी में होते हैं, तो एक जीबी में क्या होते हैं, एक जीबी में 224 MB होते हैं। एक जीबी में क्या होते हैं, 224 MB होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। तो 21 क्वेश्चन है, आधा बाइट में कितने बिट होते हैं। तो आधा बाइट में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ पे 4 बिट होते हैं। 4 बिट में क्या होता है, आधा बाइट यानी कि हाफ बाइट बनता है। 22 क्वेश्चन नंबर है, 1 निबल में कितने बिट होते हैं। तो 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, 1 GB में कितने बाइट होते हैं। अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 GB में कितने बाइट होते हैं। तो 10³ जो है बाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, 1 TB किसके बराबर होता है। तो 1 TB किसके बराबर होता है, तो 1 TB यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 20 KB के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 25 है। तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या है, 1000 KB किसके बराबर होता है। तो लगभग 1000 KB किसके बराबर होता है, तो वो आपके 1 MB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 MB के। लगभग 1000 जो है KB, 1000 KB किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। ये आपके जो 25 क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो भी हमारी जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।